नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ में आज के लिए इन स्पेशल टाइटल, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ में आज के उस चरण में जिसमें आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट डील को मैं कर रहा हूं। हमने अभी तक आविष्कारक और ये पढ़े हैं कि किस यंत्र का आविष्कार किसने किया, और आज उसका चौथा चरण है, यानी कि आज हम आखिरी पड़ाव पर हैं, इसके बाद नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इसी क्रम में फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टाइटल में आप लोगों के साथ आज बढ़ते हुए मेजर टूल्स एंड इन्वेंटर्स में हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ जरूरी बातें जो आज पता होनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए अन अकेडमी पर स्पेशल क्लासेस सेक्शन में, स्पेशल क्लासेस कहाँ पर हैं, एसएससी क्लास के सेक्शन में है, वहाँ पर इंडियन इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ। यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी इंडियन इकोनॉमी पढ़ना चाहता है तो उसका स्वागत है। मैंने यहाँ पर बैंकिंग शुरू की है, स्पेशल क्लास है, सभी के लिए है, कोई भी आकर के इसे पढ़ सकता है। नंबर दो, जो मेरी पेड क्लासेस हैं, जो कि एसएससी का फाउंडेशन बैच है, जिसमें मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ा रहा हूं, इसमें विद रेफरल कोड अंकित 10 आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी विद मैपिंग शुरू कर सकते हैं। ये मेरा सेशन आप लोगों के लिए उपलब्ध है रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके। अगर आप एसएससी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं फॉर एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, जेई, स्टेनो, फेज 8, यानी फॉर ऑल एसएससी एग्जामिनेशंस, आप मेरे साथ जुड़ करके अपनी फाउंडेशन को मजबूत कर लें। साथ में मैथ की, इंग्लिश की, रीजनिंग की भी सारी क्लासेस यहां पर आपको उपलब्ध हो जाएंगी। चलिए साथियों, शुरू करते हैं इसी के साथ आज का पहला सवाल। जल्दी जल्दी आप अपने इस क्वेश्चन सेशन में आंसर देते चले जाइएगा। निहाल, स्वरूप, इकबाल सिंह, शिवम, प्रेमी पांडे, ये सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आकाश सिंह तंवर, सभी साथियों का स्वागत है। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। पहला सवाल पूछा गया है, स्कूटर के आविष्कारक का नाम क्या था? तो मेरे प्यारे साथियों, आपसे पूछा जा रहा है स्कूटर के आविष्कारक का नाम क्या था। ये स्कूटर जो कि कभी मोटरसाइकिल से ज्यादा बिका करते थे, ब्रॉडशॉ इनका नाम था, स्कूटर के आविष्कारक हुआ करते थे। इनके बारे में खास खास बात यही कहते हैं कि भाई स्कूटर जो है पैर की सेफ्टी के लिए सबसे बेहतरीन चीज है। हाँ भाई, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? मैंने कल भी आप लोगों के लिए बात की थी। तो ब्लैक होल जो कि इंडियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एस चंद्रशेखर, जिनको कि नोबल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था, इनके द्वारा ब्लैक होल सिद्धांत की शुरुआत की गई थी, यानी कि खोज की गई थी। बिल्कुल, दिलीप, मैगी, नीति, अशोक, आलोक, मधु, विकास, तेजपाल, कविता, जतिन, बिल्कुल साथी साथियों, शुरू हो जाइए और आंसर देते चले जाइए। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? देखिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है बहुत माइनर स्केल पर जो माइक्रोस्कोप देख सके उसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, नोल और रुस्का के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। ठीक है बेटा, नोल और रुस्का के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। ऐसा कहते हैं कि नैनोमीटर्स की स्केल में भी ये चीजें देखी जा सकती हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होगा जिसके माध्यम से चीजें देखी जा सकती हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलिस्टिक मिसाइल निम्नलिखित में से किसने बनाई थी? मैंने आपको पहले भी बताया है, अपने मॉर्निंग वाले करंट के शो में भी अक्सर मैंने इसके बारे में चर्चाएं की हैं। मिसाइल दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं वो मिसाइल जो कि धरती के साथ परवलयाकार आकृति में, यानी पैराबोलिक आकृति में जाके अटैक करें, यानी कि यह लैंड है, यहां से चली हुई मिसाइल यहां जाए और गोल घूम के आए, और एक मिसाइल ऐसे जो धरती के समानांतर चले, तो क्रूज मिसाइल कहलाती है, और अगर परवलयाकार आकृति में जाए तो वो मेरे प्यारे साथियों क्या कहलाती है? बैलिस्टिक मिसाइल कहलाती है, और इसकी खोज की थी वर्नर एन ब्राउन ने की थी। बिल्कुल ठीक है, कैलाश मुकल, शाहिद कपूर, विनोद, प्रीति रॉय, सभी साथी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। जल्दी जल्दी, आज आपका ये आखिरी सेशन है, तो मैंने आपसे कल बात करी ली थी, तो मतलब आखिरी सेशन किस चीज का है? ये टूल और इन्वेंटर्स जो है इसके बारे में, और लगभग हम लोगों ने 150 सवाल कर लिए हैं इसी टाइटल के अंदर। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर अब कोई सवाल जाना चाहिए जो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है बेटा, गैस इंजन की यानी स्टीम इंजन की खोज किसने की थी? तो बेसिकली मेरे प्यारे साथियों, डेमलर ने इसकी खोज की थी, है ना। अच्छा, डीजल की भी हमने बात करी थी, तो कल एक डीजल नाम से ही व्यक्ति थे जिन्होंने डीजल इंजन की खोज की थी। ठीक है, तो गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो मैंने आपको बता दिया, डेमलर के द्वारा की गई थी। औद्योगिक क्रांति के समय पर ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस में से मानी जाने वाली प्रमुख चीजें थी। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, टेलीस्कोप यानी जिसकी वजह से आप दूरदर्शी यानी कि जमीन पर बैठे बैठे दूर के नजारे देख सकें, याद करिए मैंने कुछ ही दिन पहले आपके स्पेशल सेशन, हाँ भाई स्पेशल सेशन रोजाना शाम 5:30 बजे होता है, जिसमें हम दिन भर में कोई ना कोई जो न्यूज जो हाईलाइटेड रही होती है उसे लेके आते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, गैलीलियो के द्वारा टेलीस्कोप की खोज की गई थी। स्पेशल सेशन में मैंने हबल टेलीस्कोप कवर किया था, होपफुली आप लोगों को याद होगा। ठीक है, तौसिफ, रजा, शंकी, कुमार, सीताराम, विश्वेश्वर प्रकाश, सभी के आंसर सही हैं भाई।
हाँ भाई, रिक्वायर्ड ड्राइवर। तो तड़ित चालक के आविष्कार कौन है? असल में तड़ित चालक क्या होता है साथियों, कि मतलब जो आप वो बनाते हैं ना, बिजली चमकती है, उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। और ये भी बताया था कि बिजली जमीन पर ना, मतलब किसी उस चीज़ पर ना गिरे, मकान पर ना गिरे, उससे बचने के लिए हम वहाँ पर अर्थिंग की सुविधा कर दें तो उससे चीज़ें बच जाएंगी। ठीक है, सेफ्टी रेजर का आविष्कार, ये तो कल वाला ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो जिलेट ने सेफ्टी रेजर का आविष्कार किया था, जो जिलेट आप यूज़ करते हैं उसके द्वारा ही इसका आविष्कार किया गया था। हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल किसने किया था? देखिए, दो प्रवृत्तियां हैं। हाइड्रोजन बम जो है वो असल में न्यूक्लियर फ्यूजन बम भी हो सकता है, यानी हाइड्रोजन बम बनने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूल, जिस तरह से सूर्य के अंदर बनते हैं हीलियम मॉलिक्यूल, प्लस में एनर्जी की रिलीज होती है। असल में ये हाइड्रोजन जो बम होता है, इसे आप समझने से पहले ये समझिएगा कि बम दो प्रकार से बनते हैं। कौन कौन से? एक होता है फिशन बम। फिशन का मतलब होता है कि एक बड़ा मॉलिक्यूल जैसे यूरेनियम, ये दो छोटे मॉलिक्यूल, एक छोटा मतलब एक बड़ा एटम जो है वो दो छोटों में टूट गया, जैसे कि बेरियम और क्रिप्टॉन, इनके अंदर टूट गया। तो मेरे प्यारे साथियों, इसे हमने क्या कहा? इसे हमने तोड़ना कहा, यानी कि फिशन कहा। लेकिन समटाइम्स दो छोटे मॉलिक्यूल मिलकर, दो छोटे एलिमेंट मिलकर के जब एक बड़ा एलिमेंट बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं, और इस एनर्जी रिलीज हुई स्थिति में ये बम का कार्य करते हैं। ये थे एडवर्ड टेलर। ठीक है बेटा, तो कमलेश कनिका, राजा सीताराम, विनय आरजे 18, जय नारायण, नीतू सिंह, आलोक कुमार, बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इसी प्रकार से सवाल बनता है परमाणु बम। तो फिर आप पूछेंगे कि परमाणु बम में और हाइड्रोजन बम में क्या अंतर है? तो बेटा, जब फिजन से बने, यानी कि जब चीजें टूटने से बने, विखंडन से बने, तब तो परमाणु बम कहलाती हैं, और जब फ्यूजन से बने तो हाइड्रोजन बम कहलाती हैं। और फ्यूजन का उदाहरण ही हम लोग हाइड्रोजन बम के रूप में लिया करते हैं। ठीक है बेटा, तो ओपेनहाइमर ने इसका आविष्कार किया था, और यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम को सबसे ज्यादा इस चीज में यूज किया जाता है। हालांकि प्लूटोनियम, थोरियम, इनका भी उपयोग किया जाता है, लेकिन फिलहाल के लिए जो हम बता रहे हैं वो ओपेनहाइमर ने इसका आविष्कार किया था। हाँ भाई, व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या नापा जाता है? अगर आप लोग साइंस के विद्यार्थी रहे हैं तो आपको पता होगा कि प्रतिरोध, जिसको कि कहा जाता है वी इज इक्वल्स टू आई आर, यानी वोल्टेज इक्वल्स टू एम्पियर, यानी इलेक्ट्रिसिटी इंटू रेजिस्टेंस होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, उसमें व्हीट स्टोन ब्रिज का इस्तेमाल प्रतिरोध नापने में किया जाता है, और कहते हैं कि प्रतिरोध जितना मोटा तार होगा उसका उतना ही ज्यादा प्रतिरोध होगा। और प्रतिरोध है क्या असल में? तो इलेक्ट्रॉन के चलते समय जो भी इलेक्ट्रॉन की गति में अवरोध उत्पन्न होता है उसे हम रेजिस्टेंस में काउंट किया करते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो, यानी साइक्लोट्रॉन की वजह से क्या कार्य होते हैं? तो आप, कल भी मैंने इस सवाल को पढ़ाया था, लेकिन किसी अन्य रेफरेंस में पढ़ाया था। आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए जो चीज यूज में ली जाती है वो साइक्लोट्रॉन होती है बेटा। ठीक है, अच्छा, कूलित नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने में किया जाता है? यानी कि मतलब कॉलिए जो ट्यूब्स होती हैं, इसका उपयोग किस चीज के अंदर किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, कॉइल्ड जो ट्यूब्स हैं, इनका उपयोग एक्सरे में किया जाता है। ठीक है, क्योंकि एक्सरे किरणें जो हैं वो सामान्यतया हानिकारक हो सकती हैं, और उन हानिकारक किरणों से बचने के लिए मेरे प्यारे साथियों किसका उपयोग किया जाता है? तो मैंने आप लोगों को वो बता दिया। एग्जाम वॉरियर्स, राहुल, विजय, विजेंद्र, विनय, जयकृष्ण, बिट्टू, राजन, रोहिन, सभी के आंसर मेरे प्यारे साथियों सही हैं। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रेक्टिफायर का उपयोग किस चीज में किया जाता है? रेक्टिफायर का उपयोग, तो मेरे प्यारे साथियों, रेक्टिफायर जो है ये एसी को, यानी कि अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए उपयोग में लिया जाता है। एसी को डीसी में बदलने के लिए उपयोग में लिया जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने में किया जाता है? देखिए, अगर आपको याद हो तो ऊंचाई को हम एल्टीट्यूड में नापते हैं, और जब एल्टीट्यूड में नापते हैं तो उसे एल्टीट्यूड के लिए ही हम क्या कहते हैं? एल्टीमीटर कहते हैं। ठीक है ना, गहराई को फैदोमीटर में नापा था, समुद्र की गहराई को, अगर आपको याद हो तो हमने कल परसों ही पढ़ाया है। हमने आपको कहा है कि धरती के साधारणतया इंडिसेस बताने के लिए, कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए तीन टर्म यूज में ली जाती हैं। कौन कौन सी? लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड जो है वो जमीन से ऊंचाई नापने में काम में लिया जाता है। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन गति किसके हिसाब से नापी जाती है? कोई चक्का है, कोई स्कल है, वो नाप रहा, उड़ रहा है, तो इससे किसी से नापेंगे? तो बेटा, स्ट्रेबोस्कोप से इसे नापते हैं। कोई फ्लाइंग व्हील है, उसकी गति अगर नापनी है तो स्ट्रेबोस्कोप से मेरे प्यारे साथियों इसे नापा जाता है। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हो सकता है आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। तो सबसे पहला सवाल फिर बनता है, रिएक्टर स्केल क्या नापने के काम में आता है? तो हमको पता है भूकंप नापने के काम में आता है, इसमें तो कोई भी दोराय नहीं है। ब्यूफोर्ट स्केल हवा की गति नापने के काम में आता है। ठीक है बेटा, अच्छा, इसी प्रकार से केल्विन स्केल जो है मेरे प्यारे साथियों, ये टेम्परेचर के लिए, केल्विन में तो टेम्परेचर नापते ही है,
और मिली बार जो स्केल है बेसिकली ये प्रेशर नापने में काम में लिया जाता है। तो ए जो है वो भूकंप की मतलब ए ए जो है वो किसके नापने में आ रहा है, भूकंप की तीव्रता को। रिएक्टर स्केल जो कहते हैं ये एक पैमाने से जब दूसरे पैमाने पर बढ़ता है तो कहते हैं पहले वाले पैमाने के मुकाबले में 10 गुना अधिक हो जाता है। मान लीजिए कभी आपने सुना हो कि रिएक्टर स्केल 5 के पैमाने पर भूकंप आया, तो जब हम बोलेंगे ना कि 6 के स्तर पर आया तो 5 के कंपैरिजन में जो 6 नंबर है ये 10 गुना ज्यादा टाइट होता है, यानी ज्यादा नुकसानदायक होता है। ठीक है बेटा, इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों ये वाली बात। मोहनलाल जी आप अगर न्यूज दे रहे हैं ये वाली और अगर ये सही है तो ये बड़ी दुखद खबर है। हाँ भाई, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? तो मेरे प्यारे साथियों रदरफोर्ड ने जब कणों की खोज की थी तो किसकी माध्यम से की थी? तो मेरे प्यारे साथियों अल्फा पार्टिकल्स के माध्यम से। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स हीलियम के धनावेशित अणु होते हैं। हीलियम पॉजिटिव आयन होता है, कौन? अल्फा पार्टिकल। इसी प्रकार से बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, गामा पार्टिकल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ठीक है, तो हीलियम जो है ये धनावेशित है और नाभिक भी धनावेशित होता है, तो धनावेश को धनावेश प्रतिकर्षित करता है। और अगर ऐसा होता है, हाँ मोहनलाल जी मैंने देख लिया, अगर ये सही है तो ये बहुत दुखद है, हम सबकी प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। हाँ जी, तो हीलियम के साथ में धनावेश अगर धनावेश के साथ मिलता है तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और प्रतिकर्षित करने के पश्चात ये एक दूसरे को दूर भेज देंगे। तो प्रतिकर्षण जो है धन से धन का प्रतिकर्षण होता है और ये हीलियम आयन की हीलियम की वजह से धनावेश के नाभिक की पता चल जाती है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों देखिए दो स्थितियां हैं, आपको पता होनी चाहिए। एक है हाइगेंस के द्वारा, हाइगेंस का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसमें यह कहा गया था कि जो तरंग है वो मतलब प्रकाश जो है वो तरंग की स्थिति में होता है। और एक है फोटोन सिद्धांत, जिसमें कहा गया था प्लांक के हिसाब से फोटोन सिद्धांत, जिसमें कि जो तरंग है वो छोटे छोटे पैकेट्स में ऊर्जा का स्थानांतरण करती हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का। तो ये हमने अभ्यास शुरू में भी आप लोगों से ले लिया था। तो नोल एंड रस्का के द्वारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया गया था। ठीक है ना, हाँ। फार्मा स्टडी लिख रहे हैं कि सर आप लोगों को कपड़ा तो खरीदना ही नहीं पड़ता होगा क्योंकि हर समय ही ब्लैक टी शर्ट में रहते हैं। भाई बिल्कुल सही सोच रहे हो यार आप, मतलब हमारे बारे में इतना ख्याल रख रहे हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है यार। और हम मतलब दिन भर उसी को धोते हैं, उसी को पहनते हैं, ये बात भी आपने सही है। यूनिफॉर्म के यही फायदे हैं भाई, अगर आप भी यूनिफॉर्म वाले जॉब की तैयारी कर रहे हो तो इसका यही फायदा है, एक ही यूनिफॉर्म में सारा काम चल जाता है। ज्यादा हो तो दो जोड़ी यूनिफॉर्म खरीद लीजिए, काम चल जाएगा। ये बात सही पकड़ ली हो भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। पेपर पर फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? तो भाई पेपर पर फोटोग्राफी का आविष्कार किया था WH फोक्स टैबलेट ने। ठीक है, WH फोक्स टैबलेट द्वारा इसका आविष्कार किया गया था, टैलबोट के द्वारा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बना है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो मेरे प्यारे साथियों ये आविष्कार किया था आप लोगों के अल्बर्ट आइंस्टीन ने। यानी कि एक दूसरे के संबंध में जब आप बात करते हैं, अनिल कुमार को हंसी आ रही है लेकिन वास्तविकता भी है भाई। अगर आप भी इस तरह की कोई तैयारी कर रहे हैं तो ये मतलब डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट चीज हो जाती है। नेक्स्ट चीज, वर्ग विस्थापन सिद्धांत, वर्ग विस्थापन नियम किससे संबंधित है? ये किसने दिया था? तो ये रदरफोर्ड और सोडी के द्वारा दिया गया था, इंट्रोड्यूस क्लास रिप्लेसमेंट थ्योरी के द्वारा, है ना भाई। कृत्रिम रेडियो सक्रियता यानी कि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो मेरे प्यारे साथियों ये एफ जोलियट और क्यूरी ने की थी, है ना। रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? पदार्थ के नाभिक के द्वारा विखंडन के माध्यम से अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स का उत्सर्जन होता है। ये मैडम क्यूरी जो है ये नोबल प्राइज विनर भी रह चुकी हैं। एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो मेरे प्यारे साथियों नैनो में 9 शब्द जुड़ा हुआ है, इसको याद रख लेना 9 से। तो ये 10^-9 यानी कि 1/10^9 के बराबर होता है। ठीक है, याद रख लेना, काफी बार ये पूछा गया है। 1 nanometer = 1/10^9 की जगह 9 याद रख लीजिएगा। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो भाई एक माइक्रोन बराबर होता है कितने मीटर के बराबर होता है? तो 10^-6 मीटर के बराबर होता है। ठीक है बेटा, तो ये चीज भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? E बराबर एच न्यू सुनते हैं ना अपन, एच न्यू का मतलब होता है एच सी अपॉन लैम्ब्रा। ये जो एच क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों यही एच है जो कि आप प्लांक नियतांक के नाम से जानते हैं। ये होता है 6.63 × 10^-34। ठीक है, ये टर्म याद करके रखिएगा। निक्की, अब्बास, आलम, वीरेंद्र, रत्नावले,
कनिका, अक्षय, कैलाश, सोनू कुमार, बिल्कुल सही आंसर है बेटा, है ना। चलिए, क्यूरी किसकी इकाई है? तो मैंने आपसे क्या कहा कि मैडम क्यूरी जो है उनका रेडियो एक्टिविटी से लेना देना रहा है हमेशा से, तो रेडियो एक्टिविटी की जो मापन है वो रेडियो एक्टिविटी का क्यूरी में भी नापा जाता है, ठीक है। ऐसे ही बैक्यूरेल का नाम भी अपन ने सुना हुआ है। उच्च ताप मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखिए दो बातें हैं, ताप नापते हैं थर्मामीटर से, लेकिन हाई टेम्परेचर नापा जाता है पाइरोमीटर से। ये मैंने कल भी शायद कल या परसों भी मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया है। लगभग हमने 100-150 सवाल अब इस पर खत्म कर लिए हैं ना। यूके वर्मा, विकास यादव कह रहे हैं स्पीड ज्यादा है। बेटा ये इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, देखो इनमें कुछ समझाने का है नहीं, केवल इन्फॉर्मेशन है। रोजाना मैं आपको 40 नाम याद करा दे रहा हूँ क्योंकि इनमें से पेपर में सवाल आते हैं आप लोगों के, है ना। अब यहाँ पर ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंग और फोटो इलेक्ट्रिक की खोज किसने की थी, यानी कि डिस्कवर्ड रेडियो वेव्स एंड फोटो इलेक्ट्रिक वेव्स की खोज किसने की थी? तो मेरे प्यारे साथियों, ये की थी हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। हर्ट्ज को आप मानते भी है ना कि हर्ट्ज में अपन फ्रिक्वेंसी नापते हैं, तो ये वाली चीज अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है बेटा। मधु महेश्वरी पूछ रही है पीडीएफ, तो बेटा पीडीएफ तो मैं इसकी प्रोवाइड कराता ही हूँ बेटा। पीडीएफ इसकी जो अपना टेलीग्राम चैनल है ना, इस नाम से टेलीग्राम चैनल है, जीके भाई अंकित अवस्थी सर, इस पर टेलीग्राम डाल देंगे आपको, आज मिल जाएगा ये, ठीक है। रोजाना डाल रहा हूँ मैं, रोजाना आपको यहाँ पे 40 क्वेश्चन की एक पीडीएफ पकड़ा रहा हूँ मैं, क्लास के तुरंत बाद डाल दूंगा जीके भाई अंकित अवस्थी सर पर, ठीक है बेटा। चलिए, आधुनिक रसायन की खोज किसने की थी? जो मॉडर्न केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं इसकी खोज किसने की थी? तो एंटोनी लेवोजियर ने की थी, है ना। लेवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, न्यूटन नामक वैज्ञानिक किस देश के थे? हाँ भाई, न्यूटन के नाम से अपन मतलब गति के नियम तो पढ़ते ही हैं, गुरुत्वाकर्षण के नियम भी पढ़ते ही हैं, तो मेरे प्यारे साथियों न्यूटन इंग्लैंड के निवासी थे, ठीक है बेटा। इनको याद रख लीजिएगा, न्यूटन नामक वैज्ञानिक कहाँ के रहने वाले थे? तो इंग्लैंड के रहने वाले थे। तो गुरुत्वाकर्षण और गति का नियम ये सब इनके द्वारा दिए गए थे, तो याद कर लेना, काफी प्रमुख चीजें हैं जो पता होनी चाहिए, ठीक है बेटा। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्रेम पांडे, बोल रहे हैं सर थोड़ी सांस लेके बोलो। भाई कुल मिलाकर के 10 मिनट तो मिली ही है, सांस क्या लें इसमें, फटाफट फटाफट खत्म करने दो। ये सब चीजें आपके रिवीजन में काम आ जाएंगी, आपके अब रेलवे की तैयारी करते 1.5 साल हो चुका है, आप लोगों को अब याद होनी चाहिए ये चीजें। दूध की शुद्धता किस यंत्र से नापी जाती है? कुछ पढ़ने लिखने का होता तब तो, समझाने का होता तो बताते भी मेरे प्यारे साथियों, लैक्टोमीटर से नापी जाती है ना। लैक्टो जो है वो असल में दूध से संबंधित है, लैक्टम की जब हम बात करेंगे, है ना। लैक्टो शर्करा के बारे में भी हम जानते हैं, लैक्टो बैसिलस हम जो है उसके बारे में भी जानते हैं, लैक्टिक एसिड के बारे में भी, ये सब दूध से संबंधित चीजें हैं, है ना। तो लैक्टोमीटर जो है ये इसको नापने की यंत्र होती है। ब्लैक होल की जानकारी अब तो हमको इतनी बार आ चुका है भाई, ये एस चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया था, इसमें कुछ भी नहीं है। सोलर इम्पल्स टू क्या होती है? सोलर इम्पल्स टू क्या होती है? तो मेरे प्यारे साथियों, जो सोलर पावर जो एयरक्राफ्ट होते हैं, और अभी अपन ने कुछ दिन पहले पढ़ा भी था कि कनाडा के अंदर हाल ही में सोलर पावर से, करंट के अंदर पढ़ाया था अगर आप लोगों को याद हो तो, कनाडा के अंदर हाल ही में लोगों ने सोलर पावर से फ्लाइट उड़ाई है, अगर कुछ याद आ जाए तो बताइएगा, है ना। लाल शाही रेड इंक जो होती है वो किससे बनती है? इंक कोई सी भी हो, इंपॉर्टेंट बात तो ये है सबसे पहले कि इंक जब भी शब्द पूछा जाएगा तो याद रखिएगा कि वो बनती है हमेशा डाई से। अब वो डाई का नाम क्या है? तो वो ईओसीन डाई है ना, ईओसीन डाई होती है जिससे कि इसका निर्माण होता है। बस ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इसको आप इसी क्रम में याद कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? गोबर गैस क्या होता है भाई? जो जानवरों का एक्सक्रीटा होता है ना, गोबर हुआ, मलमूत्र हुआ, खाद हुआ, और जो अनाज का जो बचा हुआ कचरा रह गया, इनको जब आप किसी उसमें डाल देते हैं, डिस्चार्ज चैम्बर में डाल देते हैं, तो वहां पर अनॉक्सी श्वसन यानी अनएरोबिक ऑक्सीडेशन प्रक्रिया के माध्यम से वो पदार्थ विखंडित होते हैं और CH4 का निर्माण करते हैं, मीथेन गैस का निर्माण करते हैं, प्लस में उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी उपस्थित होती है, कुछ मात्रा में हाइड्रोजन गैस, CO2 गैस ये भी उपस्थित होती है। इन सबका संयुक्त रूप से उपयोग जो है मेरे प्यारे साथियों इसमें किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है, और इनका जो आविष्कार है मेरे प्यारे साथियों CB देसाई के द्वारा किया गया था, इंडियन ओरिजिन है। गोबर के साथ में जो इलाज है मेरे प्यारे साथियों, इंडियंस ने ही किया था, CB देसाई इनका नाम था, ठीक है बेटा। बिल्कुल, ये अजय कुमार का आंसर भी सही आ चुका है, बिल्कुल सही है। मुकेश कुमार, शाहिद, अनुज जायसवाल, इन सब के आंसर सही है बेटा, है ना। निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? नाम तो है फोनोमीटर, उपयोग किसमें लिया जाता है मेरे प्यारे साथियों? साउंड की फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी को नापने में किया जाता है ना, फोनोमीटर का आविष्कार किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा रखने में उपयोग किया जाता है? आपको मालूम होगा एक टाइम पर ऐसा होता था
जो पुरानी गाड़ियां होती थी उनके अंदर रेडिएटर का गर्म हो जाना होता था, तो लोग गाड़ी रोक करके आगे वाला बोनट खोलते थे और उसमें ऊपर से पानी डालते थे ताकि वो ठंडा हो जाए, है ना। याद करिए, कभी आपको पुरानी गाड़ियों में सफर करने का मौका मिला हो तो पुरानी गाड़ियों में आगे रेडिएटर लगा होता था। रेडिएटर बिल्कुल एक तरह से समझो कूलर की तरह जाली होती थी, है ना। उसमें से ठंडी हवा छन के अंदर जाती थी ताकि इंजन गर्म ना हो। इंजन गर्म होते ही गाड़ी बंद पड़ जाती थी। अगर पुरानी चीजें याद हो आप लोगों को तो उस समय पर क्या किया जाता था, गाड़ियों को ठंडा करने के लिए पानी भरते थे, पानी से गाड़ी का इंजन को ठंडा किया जाता था, ठीक है। मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? बोले हाँ सर ये जरूर बताओ, मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? तो भाई जेम्स पकल द्वारा इसका आविष्कार किया गया था, ठीक है। ऊष्मीय आयनन सिद्धांत यानी कि थर्मल आयनाइजेशन, यानी कि थर्म के कारण यानी कि ऊष्मा के कारण अगर आयनाइजेशन हो तो इसका आविष्कार किसने किया था? तो MN साहा, ये साहा जो है इनके आधार पर एक साहा इक्वेशन भी है ना, और साहा इक्वेशन बहुत रेनाउंड इक्वेशन मानी जाती है। थर्मल आयनन की बात इन्होंने की थी। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है? तो भाई मोमेंटम कंजर्वेशन के आधार पर। मोमेंटम क्या होता है? MV होता है ना। मोमेंटम कंजर्वेशन के आधार पर रॉकेट की जब गति होती है तो इसके अंदर चेंज इन एक्सेलरेशन होता है, और मतलब चेंज इन एक्सेलरेशन भी होता है और गति के प्रति विपरीत क्रिया भी होती है। तो न्यूटन की गति के दोनों ही नियम इस पर काम करते हैं, सेकेंड लॉ भी और थर्ड लॉ भी, ठीक है। ये आपको जनरल बातें हैं जो पता होनी चाहिए, ठीक है बेटा। यहाँ तक था, इसके आगे अपन कल से नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। अब लगभग मैंने आप लोगों को 150 सवाल करा दिए हैं, इनमें से सवाल आपको मिल जाने चाहिए जो फिजिक्स की शुरुआत में अपन ने कराए हैं, ठीक है बेटा। ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ पर मैं आपको अभी सारे सवाल डाल दे रहा हूँ। यहाँ पर पहचानेंगे कैसे? GK भाई अंकित अवस्थी सर के नाम से ढूंढिएगा। यहाँ पर बच्चों इस समय 1,03,000 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, है ना। 1,00,000 विद्यार्थी देखते ही आपको पता चल जाएगा, दिख जाएगा, है ना। अंकित अवस्थी सर के नाम से चैनल है। यहाँ पर अपनी जितनी भी क्लास होती है, जैसे मॉर्निंग की करंट अफेयर्स की क्लास हुई, शाम को 5:30 बजे करंट का इशू होता है, इन सारी क्लास के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करेंगे और क्लास की PDF भी आपको यहाँ उपलब्ध हो जाएगी। रोजाना शाम को आजकल इकोनॉमी ले रहे हैं, मैं फेसबुक पर अभी एक लिंक बना के डाल रहा हूँ, वहाँ पर आप मुझे बता देना इकोनॉमी में आप क्या पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों आप लोगों के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो मेरे साथ में जुड़ करके अपने फाउंडेशन को मजबूत रखना चाहते हैं फॉर SSC एग्जामिनेशन और एनी एग्जामिनेशन, CGL, CHSL, JEE, स्टेनो, फेजेट, इन सब के अतिरिक्त अगर आप रेलवे की तैयारी भी कर रहे हैं तो बेहतरीन मौका है। यहाँ पर मैं फाउंडेशन में ही सब चीज़ें पढ़ा रहा हूँ और बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। रेफरल कोड है Ankit10। इसके साथ साथ आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश जो SSC के लिए बेसिक चीज़ें हैं वो भी बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया एजुकेटर्स के द्वारा यहाँ मिल जा रही हैं। कैसे एक्सेस करना होता है ये देख लीजिएगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के, उसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करके SSC एग्जाम गोल सेलेक्ट करिए, SSC एग्जाम गोल सेलेक्ट करके फिर गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए। गेट सब्सक्रिप्शन पर जाकर के वहाँ से आप 1 और 3 महीने का सब्सक्रिप्शन मत परचेज करिए, क्योंकि स्पेशल क्लासेस में मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ, और ये 6 महीने का या 12 महीने का प्लान लीजिए। Ankit10 रेफरल कोड है जिसमें कि आपको स्पेस नहीं देना है। इवन Ankit10 कोड का यूज़ आप किसी भी सब्सक्रिप्शन को परचेज करने में कर सकते हैं। इसके उपयोग से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। 6,000 वाला जो कोर्स है वो 5,400 में, और 4,800 वाला जो कोर्स है मेरे प्यारे साथियों वो 4,320 रुपये में प्राप्त हो जाता है। यदि आप वाईफाई स्टडी के साथ डिफेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो वाईफाई स्टडी का वाईफाई डिफेंस के नाम से एक चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर लें। आप चाहते हैं कि लाइव टेस्ट दें तो वाईफाई लाइव टेस्ट को सब्सक्राइब कर लें। यदि चाहते हैं कि अनअकैडमी के माध्यम से अपने छोटे भाई बहनों को क्लास 9 से 12th की तैयारी करवाएं तो उनके लिए भी आप सब्सक्रिप्शन दिलवा सकते हैं। प्रमोशनल ऑफर चल रहा है मात्र 99 रुपीज़ में। टिल देन टेक केयर, थैंक।